केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, 28 नवंबर से जिला विकास परिषद एवं पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों में खुशी की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद पहली बार पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज को इन चुनावों में मतदान देने का, वोट डालने का अधिकार मिला है और ये सब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद हुआ है। मैं बता दूं कि पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज को इससे पहले सिर्फ लोकसभा के चुनावों में वोट डालने की अनुमति थी, लेकिन आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटने के बाद अब विधानसभा एवं पंचायत के चुनाव में भी मतदान देने की अनुमति पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज को मिल गई है, जिसके बाद इस बार वो चुनाव में अपने अपने वोट डालेंगे। और पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 22,500 के करीब परिवार जो हैं पाकिस्तानी वेस्ट रिफ्यूजीज के जम्मू कश्मीर में इस वक्त रह रहे हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 1.5 लाख के है और जिनमें मतदाता 1 लाख के करीब हैं और ये 1 लाख के करीब जो मतदाता हैं इस बार वोट पंचायत इलेक्शंस में और जिला विकास परिषद के चुनाव में डालेंगे। 28 नवंबर से जिला विकास परिषद के चुनाव होंगे और साथ ही साथ पंचायत एवं स्थानीय निकाय के उपचुनाव भी होंगे। ये चुनाव 8 चरणों में होंगे, यानी कि 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 4, 7, 10, 13, 16 और 19 दिसंबर को होंगे और मतदान देने का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का होगा और जिला विकास परिषद के चुनावों की मतगणना जो है वो 22 दिसंबर को होगी और पंचायत उपचुनाव में पंचों और सरपंचों के नतीजे मतदान संपन्न होने के बाद उसी दिन दिए जाएंगे। लेकिन इन इलेक्शंस में, इन चुनाव और उपचुनावों में कुछ पार्टियां असमंजस में भी पड़ गई हैं और वो पार्टियां वो हैं जो गुपकार डिक्लेरेशन करके बैठी हुई हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव हैं वो पार्टी चिन्ह पर होने जा रहे हैं और कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भी होंगे जो स्थानीय लेवल पर काफ़ी देर से इन चुनावों का इंतजार कर रहे होंगे और ये चुनाव लड़ना भी चाहते होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये पार्टियाँ जो हैं वो अपने पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी या नहीं।